ओम शांति। 3 सितंबर 2019 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। प्रश्न, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी? उत्तर, मुख्य बात समझ लें कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वह अभी फिर से सिखा रहे हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार देलवाड़ा मंदिर भी है। आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। यह चैतन्य देलवाड़ा मंदिर है। यह बात समझ लें तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया और सब जगह सब आपे ही सीखते हैं। सिखलाने वाला बाप नहीं होता, एक दो को आपे ही सिखलाते हैं। यहाँ तो बाप बैठ सिखलाते हैं बच्चों को। रात दिन का फर्क है। वहाँ तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं। इतना याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए देही अभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं। हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। जो बाप इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जिनको यह निश्चय ही नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सिखला रहे हैं। जैसे और लोग कहते हैं हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी हैं। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना। योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा अगर हो तो फिर औरों को भी धारणा करावे। बाबा ने समझाया था, वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार हुई थी, वह कुछ भी नहीं जानते। किस प्रकार की शांति थी वही चाहिए ना। यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है। बाप आया हुआ है। कैसे यह दिलवाड़ा मंदिर है, आदि देव भी है और ऊपर में विश्व में शांति का नजारा भी है। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम पूछो, विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी,
वह तो दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं हैं। पत्थर बुद्धि है ना, तो उन्हों को बताना चाहिए कि हम बता सकते हैं। विश्व में शांति का सैंपल एक तो यह लक्ष्मी नारायण है, और फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो तो वह भी देलवाड़ा मंदिर में चलकर देखो। मॉडल ही दिखाया जाएगा ना, वह चलकर आबू में देखो। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते हैं, जिन्होंने ही बैठ यह यादगार बनाया है, जिसका देलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया है, आदि देव को भी बिठाया है, ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है। जैसे वह जड़ है वैसे तुम हो चैतन्य। इनको चैतन्य देलवाड़ा नाम रख सकते हैं, परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, मनुष्य ही मूंझ जाए, यह फिर क्या है। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत बच्चे भी नहीं समझते हैं, भल दर पर पास में बैठे हैं, समझते कुछ भी नहीं। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, ढेर मठ पंथ हैं, वैष्णव धर्म वाले भी हैं, वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते हैं। कृष्ण की बादशाही कहाँ है जानते ही नहीं, कृष्ण की राजाई को भी स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। बाबा ने कहा था, जहां बुलावा हो वहां जाकर तुम समझाओ। विश्व में शांति कब थी? यह आबू सबसे ऊंचते ऊंच तीर्थ है, क्योंकि यहां बाप विश्व की सदगति कर रही हैं। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो तो चलकर देलवाड़ा मंदिर देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन की थी उनका सैंपल है। सुनकर बहुत खुश होंगे, जैनी लोग भी खुश होंगे। तुम कहेंगे यह प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदि देव। तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं हैं। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां पता नहीं क्या कहती हैं। तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना चाहिए। आबू है बड़े ते बड़ा तीर्थ, बॉम्बे में भी समझा सकते हो। आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे स्वर्ग की रचना रची है? वह स्वर्ग का और आदि देव का मॉडल सब आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं। हम अब जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, इसलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तो तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार चाहते हो? कभी देखा है? विश्व में शांति तो इनके लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनकी डायनेस्टी का राज्य था। चलो तो इन्हों की राजधानी का मॉडल आबू में तुमको दिखाएं। यह तो है ही पुरानी पतित दुनिया, नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है, नई दुनिया अब स्थापन हो रही है। तुम जानते हो तब बतलाते हो, सभी नहीं जानते हैं,
ना बतलाते हैं, ना समझ में ही आता है। बात है बहुत सहज, ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदि देव बैठा है जिसको एडम भी कहते हैं, वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसी तुम महिमा सुनाएंगे तो सुनकर खुश होंगे, है भी बरोबर एक्यूरेट। कहो तुम कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम जानते तो कुछ नहीं हो। कृष्ण तो वैकुंठ का महाराजा, विश्व का मालिक था। उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो आबू में, वह भी मॉडल दिखावे। तुमको वैकुंठ का मॉडल दिखलाएंगे, कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते हैं, जिससे फिर विश्व के मालिक बने हैं, वह भी मॉडल दिखावे। संगम युग की तपस्या भी दिखाएं, प्रैक्टिकल जो हुआ था उनका यादगार दिखाएं। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी चित्र है, अंबा का भी मंदिर है। अंबा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं हैं, भुजाएं तो 2 ही होती हैं। तुम आओ तो तुमको दिखाएं, वैकुंठ भी आबू में दिखाएं। आबू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को हेवन बनाया है, सदगति दी है। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, सब धर्म वालों की सदगति करने वाला एक ही बाप है। उनका यादगार चलो तो आपको आबू में दिखाएं। आबू की तो तुम बहुत महिमा कर सकते हो, तुमको सब यादगार दिखाएं। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं, प्राचीन भारत का राजयोग किसने सिखाया, क्या चीज थी। बोलो चलो आबू में दिखाएं। वैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है ऊपर छत में, तुम ऐसा नहीं बना सकते हो, तो यह अच्छी रीति बताना है। टूरिस्ट धक्का खाते हैं, वह भी आकर समझे। तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया तो बहुत आएंगे, आबू बहुत मशहूर हो जाएगा। जब कोई पूछते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं, तो पूछना चाहिए विश्व में शांति कब थी, वह जानते हो। विश्व में शांति कैसे थी चलो हम समझाएं, मॉडल्स आदि सब दिखाएं। ऐसा मॉडल और कहां भी नहीं है, आबू ही सबसे बड़ा ऊंचते ऊंच तीर्थ है, जिसमें बाप ने आकर के विश्व में शांति सर्व की सदगति की है। यह बातें और कोई नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबर वार हैं। भल बड़े महारथी म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति किसको समझाते हैं व नहीं, बाबा रीड तो करते हैं ना। बाबा सब कुछ समझते हैं, जो भी जहां भी हैं उनको समझते हैं। कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे। इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे, याद के यात्रा की मेहनत वह समझ नहीं सकते। बाप रोज रोज नई बातें समझाते हैं, ऐसे ऐसे समझा कर ले आओ। यहाँ तो यादगार कायम है, बाप कहते हैं मैं भी यहाँ हूँ, आदि देव भी यहाँ हैं, वैकुंठ भी यहाँ हैं। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी, आबू पता नहीं
क्या हो जाएगा? जैसे देखो, कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपया उड़ाते रहते हैं। कितने ढेर मनुष्य जाकर वहां इकट्ठे होते हैं। इतनी बदबू गंदगी होती है, बात मत पूछो। कितनी भीड़ होती है। समाचार आया था कि भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई। यह सब दुख है ना? अकाले मृत्यु होती रहती है, वहां तो ऐसे कुछ होता ही नहीं। ये सब बातें तुम समझा सकते हो। बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए। बाप ज्ञान का पंप कर रहे हैं, बुद्धि में बिठा रहे हैं। दुनिया थोड़े ही इन बातों को समझती है। वह समझते हैं, नई दुनिया का सैर करने जाते हैं। बाप कहते हैं, यह दुनिया अब पुरानी गई की गई। वह तो कहते हैं, 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम तो बतलाते हो कि सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। पुरानी दुनिया का तो मौत सामने खड़ा है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जागता था। तुम कुंभकर्ण थे। यह खेल बड़ा वंडरफुल है। इन बातों को सब थोड़े ही समझ सकते हैं। कई तो ऐसे ही भावना में आ जाते हैं। सुनते हैं ये सब जा रहे हैं तो चल पड़ते हैं। उनको बताते हैं, हम शिव बाबा पास जाते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। उस बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। बस तो वह भी कह देते, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपसे वर्षा जरूर लेंगे। बस बेड़ा पार है। भावना का भाड़ा देखो कितना मिलता है। भक्ति मार्ग में तो है अल्पकाल का सुख। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वह तो है भावना का, अल्पकाल के सुख का भाड़ा। यहाँ तुमको मिला है 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा। बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ है नहीं। कई कहते हैं साक्षात्कार हो, तब बाबा समझ जाते हैं। कुछ भी समझा नहीं है। साक्षात्कार करना है तो जाकर नौधा भक्ति करो। उनसे कुछ मिलता नहीं है। करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन पड़ेंगे। अच्छा भक्त होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा। यह तो बात ही न्यारी है। यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप है ही दुनिया बदलने वाला। यादगार खड़ा है ना? बहुत पुराना मंदिर है। कुछ टूटता करता है तो फिर मरम्मत कराते रहते हैं। परंतु वह शोभा तो कम हो ही जाती है। ये तो सब विनाशी चीजें हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे एक तो अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। पढ़ाई की बात है। बाकी यह जो मथुरा में मधुबन कुंज गली आदि बैठ बनाया है, वह कुछ भी है नहीं। ना कोई गोप गोपियों का खेल है। यह समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पॉइंट अच्छी रीति बैठ समझाओ। कॉन्फ्रेंस आदि में भी चाहिए योग वाला। तलवार में जौहर नहीं होगा, किसको तीर लगेगा नहीं। तब बाप भी कहते हैं, अभी देरी है। अभी मान ले कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो भीड़ लग जाए,
परंतु अभी टाइम नहीं है। एक बात मुख्य समझ जाएं कि राजयोग बाप ने सिखाया था, जो इस समय सिखला रहे हैं, इसके बदले नाम उसका डाल दिया है जो कि अभी सांवरा है। कितनी बड़ी भूल है, इससे ही तुम्हारा बेड़ा डूब गया है। अब बाप समझाते हैं, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं। इसमें पवित्र भी जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं, नंबर वार तो होते ही हैं। जो भी सेंटर्स हैं, सब नंबर वार हैं। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। मासी का घर थोड़े ही है, बोलो स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। परंतु वहां का राज्य कैसे चलता है, देवताओं का झुंड देखना हो तो चलो आबू। और कोई ऐसी जगह है नहीं जहां ऐसे छत में राजाई दिखाई हो। भल अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वह और बात है। यहाँ तो आदि देव भी है ना। सतयुग किसने और कैसे स्थापन किया, यह तो एक्यूरेट यादगार है। अभी हम चैतन्य दिलवाड़ा नाम लिख नहीं सकते हैं। जब मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो आपे ही कहेंगे कि तुम लिखो। अभी नहीं, अभी तो देखो थोड़ी बात में ही क्या कर देते हैं। क्रोधी बहुत होते हैं, देह अभिमान है ना। देही अभिमानी तो कोई हो ना सके सिवाय तुम बच्चों के। पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। पुरुषार्थी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पुरुषार्थ करते रहेंगे, फिर जब फेल होते हैं तब कहते हैं तकदीर में जो था। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना है कि जो नसीब में होगा, सेंसिबल बनना है। दूसरा, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है, याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। वरदान, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। जहां बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहां बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। स्लोगन, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। ओम शांति।
to watch Peace of Mind channel videos on YouTube. Subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.